सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम और फिलहाल पहुंच रहे हैं जुलाना में, और जुलाना से जो बीजेपी कार्यकर्ता है संदीप लोहान जी, तो आपने देखा होगा कि यहाँ से मतलब एक यात्रा आपको दिखाई दे रही है, तो किस प्रकार की यात्रा है? हरी झंडी दिखाकर मतलब यात्रा को शुरू किया जा रहा है, तो ये यात्रा है जो बीजेपी कार्यकर्ता है संदीप लोहान जी, तो उनसे बात करेंगे। तो यहाँ पर आज बड़ा प्रोग्राम जुलाना में किया गया, राम राम जी, बीजेपी का बड़ा प्रोग्राम है जुलाना में। ये आज पन्ना प्रमुख सम्मेलन है दो भारतीय जनता पार्टी का, जुलाना में हो रहा है आज। तो इन पन्ना प्रमुखों के अंदर जो हमारे पन्ना प्रमुख है वो सभी आज जुलाना के अंदर एकत्रित शामिल होंगे। सर, इस यात्रा के बारे में क्या कहना चाहोगे? महिलाएं भी काफी शामिल हैं। ये हमारी पन्ना प्रमुख महिलाएं हैं, जैसे किसी बूथ पर हमने महिलाओं को बनाया है, जैसे बूथ वाइज जैसे एक एक पन्ना होता है, लगभग 60 वोटर के ऊपर हमारा एक पन्ना प्रमुख होता है। इनमें हमारे महिलाओं को भी और युवाओं को भी सबको छत्तीस बिरादरी से हमने बनाया गया है जी। तो आज क्या बड़ा करने वाले हैं बीजेपी कार्यकर्ता? देखिए, ये हमारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, इसमें हमारा ऊपर से पहले विप्लव दुबे जी प्रभारी जाने वाले थे, लेकिन वो किसी कारणवश से बाहर चले गए, तो उनकी जगह अब कृषि मंत्री जेपी दलाल जी आ रहे हैं, तो ये हमारा वहीं पर काफी लदारा भी। हाँ, ये 2024 के लोकसभा की तैयारियों से पूर्व में जो पन्ना प्रमुख है उन्हीं की तैयारियां हैं ये सब, और तो बीजेपी दलाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष राजू मोर जी हैं और हमारे सांसद जी आ रहे हैं। तो आज की जो ये यात्रा है, तो इसमें कितना समर्थन है लोगों का? इसमें पूरा समर्थन आप खुद ही देख लीजिए कितनी संख्या के अंदर गाड़ियां, महिलाओं के भी शक्ति के अंदर है जी। हमारी तो भारतीय जनता पार्टी जो 50% का आरक्षण भी दिया है पंचायत के अंदर भी, उसको भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। तो महिलाएं बराबर की? बिल्कुल जी, आप भी बिल्कुल महिलाएं बराबर की जी। राज्य में काम किए जा रहे हैं उनको लेकर क्या जी? राज्य में काम किए जा रहे हैं उनको लेकर क्या? देखिए, राज्य के अंदर है ना, हर विकास के अंदर भारतीय जनता पार्टी, पहले वाले कोई भी मुख्यमंत्री होता सिर्फ अपने क्षेत्र के अंदर विकास करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक समान विकास करती है। आप किसी भी जिले के अंदर देख लिए, हम आज जुलाना की जमीन पकड़े हैं, यहाँ से 152 डी निकल गया और कितने नेशनल हाईवे, जींद के अंदर 9 हाईवे निकल चुके हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं था। आप कृषि के क्षेत्र के अंदर 14 फसलों पर MSP दी जा रही है, उससे पहले एक दो फसलों के ऊपर दी जाती थी। किसानों को 6,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जा रहा है, वो नहीं दिया जाता था। किसानों से लेकर, गरीबों से लेकर, अंत्योदय योजनाओं से लेकर हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के और मनोहरलाल खट्टर जी के डबल इंजन की जो सरकार है, अनेक विकास के कार्य किए हैं। सर, अगर बात करें जुलाना हल्के की, तो जुलाना हल्के में फिर क्या नया होने वाला है बीजेपी की तरफ से? देखिए, जुलाना हल्के में आज तक कमल नहीं फूला है, इस कमल नहीं खिला है। इस बार हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 2024 में लोकसभा में तो हम सोनीपत लोकसभा जीतेंगे ही, और 2024 का विधानसभा है उसको भी हम हर हाल में यहाँ पर कमल खिलाएंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यात्रा जो है आपके सामने है, कि किस प्रकार से आज जुलाना में बड़ा प्रोग्राम है बीजेपी का, और बीजेपी के कार्यकर्ता संदीप लोहान जी ने यहाँ से हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा की शुरुआत की है, और यात्रा आपके सामने की किस प्रकार से लोगों की भीड़ आपको दिखाई दे रही है, युवा भी है, महिलाएं भी है। आपका क्या कहना है कि बीजेपी आनी चाहिए जुलाना हल्के में या नहीं आनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बीजेपी ने कितने काम करवाए हैं तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।